Hello students, in the last lecture we have discussed about the kingdom fungi general characteristic features. Now I will tell you about the different classes of the fungi. That is, number one is phycomycetes. Jo pehla category hai fungi ka, uska kya naam hai? Phycomycetes. Theek hai, phycomycetes ye kahan par rehta hai? Pani mein. और ज़्यादातर जब सड़ा हुआ जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वहाँ पर भी रहेगा. फूड कहाँ से लेगा? मेनली दे आर व्हाट? पैरासाइट. अब दूसरे एनिमल्स के ऊपर या पेड़ों के ऊपर रहेगा. सो ज़्यादातर ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों से खाना लेने वाले. ठीक है, अब यहाँ पर जो माइसेलियम है, मैंने पहले लेक्चर में बोला था एक बार कि फंगी का जो मेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है? माइसेलियम. दिस आर व्हाट? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. माइसेलियम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर माइसेलियम क्या होता है? सीनोसाइटिक. सीनोसाइटिक, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, लास्ट लेक्चर में, कि सीनोसाइटिक क्या है. सीनोसाइटिक का मतलब क्या है ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था. अगर आप लोगों को याद है तो इसमें क्या होगा? दिस आर कंटिन्यूअसली फील्ड ट्यूब्स विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. सीनोसाइटिक्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म में. सो फाइकोमाइसिटिस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिखाई देगा? जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स. कहाँ पर रेडी होगा ये सब? स्पोरेंजियम में. स्पोरेंजियम एक जगह होता है जहाँ पर जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स ये सब रेडी होते हैं. अब जूस्पोर्स क्या है? जूस्पोर्स है मोटाइल, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है. एंड एप्लानोस्पोर्स क्या है? नॉन मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता है. कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा? स्पोरेंजियम में. जो स्ट्रक्चर स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम. फिर एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन भी देखा जा रहा है इधर फाइकोमाइसिटिस में, विच इज़ द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. अब टू गैमेट्स का फ्यूजन के बाद, गैमेट्स मतलब दो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स. मतलब दोनों का यूनियन होने से एक नया जनरेशन आएगा. सो दैट इज कॉल्ड द गैमेट्स. सो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोस्पोर. ठीक है, गैमेट्स आर क्या है? सेल्स दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. नया वाला जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, इसको जन्म देने के लिए गैमेट्स होना ही चाहिए. सो दिस फॉर्म व्हाट? जाइगोस्पोर. अब गैमेट्स कितना टाइप्स का हो सकता है? एक आइसोगैमस एंड ओगैमस और एन आइसोगैमस. आइसोगैमस मतलब एक जैसा दिखने वाला है, एंड ओगैमस मतलब एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है. सो दोनों तरफ गैमेट्स हो सकता है, आइसोगैमस एंड ओगैमस, और दोनों का ज्वाइनिंग से या फ्यूशन से जाइगोस्पोर बन सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है म्यूकर फाइकोमाइसिटिस का. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द माइसेलियम इज दिस इज सिनोसाइटिक. ठीक है, और बीच बीच में जो गैपिंग्स मतलब सेप्टेशन मैंने पहले बोला था वो नहीं है, पूरा कंटिन्यूस है. तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिखा जाएगा, और यहाँ पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन भी हो रहा है विद द गैमेट्स का यूनियन. और दो टाइप्स का गैमेट्स है, आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस. ओके, now we will come to the next category of fungi, that is the ascomycetes. next category fungi is ascomycetes, जिसका दूसरा नाम है sac fungi, जब मतलब बस्ता जैसा या बैग जैसा. okay, so बैग जैसा कुछ है तो इसीलिए इसका क्या नाम? बैग जैसा दिखने वाला, इसीलिए इसका नाम क्या है? ascomycetes. और ये क्या है? मल्टी सेलुलर एंड समटाइम्स दे मे बी यूनिसेलुलर. सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड बॉडीज़ में खाता रहता है, डेड बॉडीज़ के ऊपर रहता है. डिकम्पोजर्स भी है, डेड बॉडीज़ को सड़ाता रहता है. पैरासाइटिक भी है एंड कॉप्रोफिलस भी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. दे विल बी लिविंग ऑन द डंग, मतलब क्या है? जो वेस्ट मैटर है एनिमल्स का उसके ऊपर भी ये ग्रो कर सकता है, एस्कोमाइसिटिस. ओके, सो दिस आर कॉल्ड व्हाट? कॉप्रोफिलस, मतलब कोई भी डंग मतलब एनिमल वेस्ट के ऊपर ये ग्रो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉप्रोफिलस. सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक, मल्टी सेलुलर, सप्रोफाइटिक, डेकम्पोजर, पैरासाइटिक एंड कॉप्रोफिलस.
अब माइसेलियम कैसा हो सकता है? ब्रांच्ड। माइसेलियम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फंगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइसेलियम। ये कैसा है? ब्रांच जैसा, मतलब ऐसा ब्रांचेस दिखाई देगा इसमें, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉनिडिया। वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड? इन द कॉनिडियो फोर्स। कहाँ पर तैयार होता है? कॉनिडियो फोर्स में। और सेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है? एस्कोस्पोर्स, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। एस्कोमाइसेटिस का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ओके, सो असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया विच आर फॉर्म्ड इन कॉनिडियो फोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। सो जो अभी हम लोगों ने देखा है, दिस इज रिलेटेड टू एस्कोमाइसेटिस। नेक्स्ट कैटेगरी इज बैसिडियोमाइसेटिस। बैसिडियोमाइसेटिस इज एग्जाम्पल इज मशरूम। यू ऑल नो मशरूम। सो दिस ग्रोइंग सॉयल और इन द ट्री, पेड़ों में या फिर मिट्टी में हो सकता है। ये पैरासाइटिक है, दूसरों से खाना लेने वाले। माइसेलियम ब्रांच्ड है, ठीक है। माइसेलियम जो है इसमें ब्रांचेज है, दिखा जाएगा। फिर असेक्सुअल पोर्स प्रेजेंट है ही नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें तो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई भी सेल का एक छोटा सा हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड होने के काबिल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स मतलब छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा। सो अगर कोई भी सेल को छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, एक हिस्से से नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल ऑर्गेन्स भी नहीं है, दिस इज एब्सेंट। एंड देयर इज वन फॉर्मेशन, दैट इज द प्लाज्मोगैमी, वेयर देयर इज फ्यूजन ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मैंने पहले एक बार बोला था कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन का नाम क्या है? प्लाज्मोगैमी। नाम से ही देखो, प्लाज्मोगैमी। सो हियर ऑल्सो फ्यूजन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मोगैमी, विच लीड्स टू द फेज विच इज कॉल्ड द डाइकैरियोटिक फेज। जहाँ पर क्या देखा जाएगा? टू न्यूक्ली पर सेल। कितना न्यूक्ली? टू न्यूक्ली पर सेल। एक सेल में दो न्यूक्ली देखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डाइकैरियोटिक फेज। ओके, सो असेक्सुअल स्पोर इज नॉट देयर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट एंड देयर इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल। टू वेजिटेटिव सेल कैन फ्यूज एंड दैट विल फॉर्म अ डायकैरियोटिक स्टेज वेयर देयर बी टू न्यूक्लियाई इन वन सेल। एग्जाम्पल इज एगरिकस। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द ड्यूटेरोमाइसेटिस, विच इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट फंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी because only the asexual or the vegetative phases are known. Here you can see only the asexual phases are known, so that is why it is called the imperfect fungi. Sexual phases are not known here, so it is called as imperfect fungi, because fungi is as essentially one characteristic features, that is sexual spores are also developed in sexual reproduction. So after some days, the sexual forms of these fungi were discovered, and then they were moved to the classes, that another class where they are kept. मतलब पहले तो ड्यूटेरोमाइसेटिस का कुछ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे सेक्सुअल फॉर्म्स को साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया एंड फिर उनको उनका खुद का कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि ड्यूटेरोमाइसेटिस दे ओनली रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होगा, जिसका नाम क्या है? कॉनिडिया। माइसेलियम जो है, दिस इज ऑल्सो ब्रांच्ड। पहले भी हम लोगों ने अभी देखा है कि पहला क्लास में जो अभी जो पिछला वाला जो था ड्यूटेरोमाइसेटिस से पहले वाला, कौन सा? बैसिडियोमाइसेटिस। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि माइसेलियम ब्रांच्ड है। यहाँ पर सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है एंड डिकम्पोजर्स। सैप्रोफाइटिक जो डेड बॉडी से खाना लेगा, पैरासाइट जो लिविंग बॉडीज में रह के खाना लेगा, एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो विल हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज। ओके, और दे विल हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये ड्यूटेरोमाइसेटिस जो है डिकम्पोजर्स है, मतलब सड़ाता है गंदगी को। सो ये मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करेगा। सॉइल में जो मिनरल साइक्लिंग है, इसमें हेल्प करता है। सो एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल इज ट्राइकोडर्मा।
सो जनरली हम लोगों ने आज क्या देखा, जो चार क्लासेस है फंगी का, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें आप लोगों को जैसे तीन चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और इसका एग्जाम्पल्स काफ़ी आसान है। मेनली कैटेगराइज किसके ऊपर कर रहे हैं, माइसेलियम विच इज़ ब्रांच्ड या फिर ब्रांच नहीं है या फिर सिनोसाइटिक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, या फिर असेक्सुअल है तो स्पोर्स है तो क्या है, कॉनिडिया है या फिर कुछ और है, तो इसी के ऊपर बेस्ड करके ये क्लासीफाई किया गया है। आप लोग धीरे धीरे हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा ताकि हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए और थोड़ा बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि ये प्लांट पार्ट है, किंगडम फंगी है, सो बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग में फोकस करने का कोशिश कीजिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।